आगरा के भीड़ भरे बाजार में दिन दहाड़े 40 लाख रुपए लूट को चार नहीं बल्कि 7 बदमाशों ने दिया अंजाम। आपको बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया कि 4 बदमाश तमंचा लेकर कुरियर कंपनी के ऑफिस गए थे, 3 लोग नीचे खड़े हुए थे। बदमाश पहले बाइक से भागे और बाद में पार्किंग से वो स्कॉर्पियो लेकर भाग निकले थे। बदमाशों की लोकेशन राजस्थान में मिल रही है। वहीं पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि रावतपाड़ा के तिवारी गली में NM कुरियर कंपनी की आड़ में हवाला का काम हो रहा था। वहीं दोपहर 1:15 बजे नकाब पहनकर आए 4 बदमाशों ने कंपनी पर धावा बोल दिया। कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 40 लाख रुपए लूट कर ले गए। पूरी वारदात ऑफिस में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। जब पुलिस ने बाजार में लगे अन्य CCTV कैमरे खंगाला तो पता चला कि 4 नहीं बल्कि 7 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। वारदात से पहले बाइक के साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी दिखी। स्कॉर्पियो को आगरा के फोर्ट रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ा किया गया था। वारदात को अंजाम देकर बदमाश बाइक से आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन की पार्किंग में पहुंचे। यहां बाइक खड़ी करने के बाद स्कॉर्पियो में सवार होकर सभी बदमाश फरार हो गए। तो वहीं पुलिस ने बाइक के नंबर के बारे में जानकारी की तो वो खंदौली के एक व्यक्ति की निकली। पुलिस ने दबिश दी तो बाइक का मालिक घर पर मिला। वहीं CCTV फुटेज देखकर उसने एक आरोपी की पहचान की अपने भाई के रूप में। उसने अन्य बदमाशों के बारे में भी बताया। 4 बदमाश खंदौली के और 3 फतेहपुर सीकरी के रहने वाले हैं। बताया गया है कि सभी वारदात के बाद राजस्थान भाग गए हैं। वहीं पुलिस की टीम उनको पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। आपको बता दें कि घने बाजार में कुरियर कंपनी के आड़ में हवाला का कारोबार चल रहा था। वहीं पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं थी। वारदात के बाद जांच में हवाला कारोबार के बारे में भी पता चला है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।